हेलो गाइस, मेरा नाम गणपति पेरुमाल। आज का क्या टॉपिक देखेगा, पाइप इंटरनल क्लीनिंग कैसे करता है। ये एक टाइप है, ये पिकिंग बोलता है। ये इसका जो रेड कलर रहता है ना, पिकिंग बोलता है। ये पिक को अंदर करके उसका बाद 4 kg 3 kg तक अपना कंप्रेसर से एयर इंटलेट करेगा। वो उधर लगभग क्रूड स्टेशन से देगा। ये आपको एक स्टेशन पॉइंट है, इसमें अपना जो लगा हुआ वो टेम्प्रेरी स्पूल है। ये टेम्प्रेरी स्पूल किसके लिए, वो उसका एयर को बाहर निकालने के लिए और प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ। इसमें वो उधर पिक डाल के एयर कंप्रेसर से देने के बाद पाइप का अंदर में जो भी मिट्टी गिट्टी जो भी डस्ट रहेगा अंदर में, मेटल कुछ रख के बिना पता के वो कुछ मेटल बोरी गिरी और स्टाइप पाइप जो भी रखेगा अंदर, आपको ट्रेसिंग कर सकते ईजीली। और ये किसके लिए कर रहा, मतलब पाइप इंटरनल सरफेस क्लीनिंग के लिए करता है मेन। इसमें जो भी कचरा रहेगा निकल जाएगा, क्यों स्टीम ब्लोइंग का पहले ये करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको स्टीम पास करने के टाइम जाके ब्लेड में आपको ये पूरा हिट हो जाएगा, तो आपको डैमेज हो जाएगा ब्लेड का। मटेरियल हाई कास्टली भी है और डैमेज जब हो जाएगा तो आपको तुरंत मिलेगा भी नहीं है। इसके लिए जो भी मेन प्रोसेस लाइन को प्रॉपरली आपको पिकिंग करेगा, पिकिंग मतलब 4 kg में आपको करेगा। प्रॉपर ड्राइयर लगा के वो करेगा, क्यों ना आपको मॉइस्चर अंदर नहीं छोड़ेगा। ड्राई लगाएगा, उसके बाद फिल्टर लगाएगा, उसमें आपको ये अपना एयर देने के बाद उसको अंदर पूरा क्लीन होके आ जाएगा। अभी आपको कुछ पाइप अंदर फंस गया, अगर कुछ मेटल फंस गया तो उसमें डिटेक्ट सेंसर है, उसमें डिटेक्ट करके जो किधर फंसा हुआ उसमें आपको पॉइंट बराबर पता चलेगा। उसके बाद वो उधर से जॉइंट कटिंग करके वो मेटल का अंदर निकालेगा। यही वो वाला पिक है, ये जो पिक है ना, इसमें ये क्यों मतलब आपको टैपर शेप में दिया हुआ, मतलब एल्बो का साइड घुमाने के लिए वो टैपर शेप में दिया हुआ उधर, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।